नमस्कार भाइयों, आप सभी को स्वागत है एक और नए मैच प्रिडिक्शन के वीडियो में। गाइस, आज का जो ये मुकाबला क्लैश जाएगा पर्थ स्क्वॉचर्स वर्सेस ये जो मुकाबला हो जाएगा एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच ये मुकाबला को खेला जाएगा। तो क्या हमारा ग्रैंड लीग का यूनिक टीम होना चाहिए, किसे मुझे अपने टीम के लिए कैप्टन ट्राई करना है, किसे मुझे अपनी टीम के लिए वाइस कैप्टन ट्राई करना है, एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। अब गाइस, ये जो मुकाबला की बात करूं तो ये जो मुकाबला होगा पर्थ स्टेडियम पर्थ में ये मुकाबला को खेला जाएगा। तो इसका पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, ग्रैंड लीग की टीम में इस पिच रिपोर्ट के अगेंस्ट से जानेंगे कि कौन कौन सा प्लेयर्स इंपोर्टेंट पिक होगा, कौन कौन सा प्लेयर्स को अपने टीम में लेकर के चलना है, कैप्टन किसे बनाना है, वाइस कैप्टन किसे बनाना है, एक एक चीज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग क्या कर लेना, पूरा देख लेना, क्योंकि देखो ये जो मुकाबला हो जाएगा ना भाई, नॉकआउट का मुकाबला। अब इस मुकाबला में सोच लो ग्रैंड लीग का एक यूनिक टीम क्रिएट करके आप अच्छे रैंक लाना, अच्छे रैंक को प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ही देख करके जाना, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे दो से तीन खिलाड़ी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जो बहुत सारा लोग अपनी टीम से ड्रॉप करके जा रहे हैं, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज की बात करो तो ओनली 10 से लेकर के 15% लोग ही अपने टीम में लेकर के जा रहे हैं, लेकिन इस मुकाबला में वो खिलाड़ी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बात करेंगे कि वह दो से तीन खिलाड़ी, कौन सा यूनिक खिलाड़ी को अपनी टीम में लेकर के चलना है। यह जो मुकाबला खेला जाएगा 20 जनवरी को खेला जाएगा। अब देखो यह जो मुकाबला आपको लाइव देखने को मिलेगा 2:10 में, ये मुकाबला आपको लाइव देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले जो भाई वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर देना। साथ में फाइनल टीम फाइनल अपडेट के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाना, लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में जाओगे तो टॉप पर पिन कर दिया, जहां से आप क्या कर सकते हो, बड़े आसानी तरीके से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने से क्या होता है, जैसे मुकाबला आपको लाइव जैसे ही होता है, यानी टॉस होने के बाद जो मेरा फाइनल टीम बनता है, टॉस होने के बाद जो मेरा फाइनल बने बनाया हुआ टीम आप प्राप्त करना चाहते हो टेलीग्राम चैनल पर आप प्राप्त कर सकते हो। तो चाहते हो आप भी टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में टीम लेकर के आप अच्छे रैंक पर लाना, तो भाई सबसे पहले क्या कर लेना कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब देखो मैच से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है टाइम टू टाइम मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर टॉस होने के बाद प्रोवाइड कर दूंगा, क्या इसका प्लेइंग 11 टीम रहेगा, क्या कोरेंट का पीस रिपोर्ट आएगा, सारा कुछ आपको मैं यहां पर से टेलीग्राम चैनल पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है मैच से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट करता हूं। तो फटाफट से सबसे पहले क्या कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। अब बात करते हैं यहां पर से पीस रिपोर्ट का, यदि बात करें बैनू पर तो बैनू पर टोटल जो मुकाबला खेला गया 35 मुकाबला खेला गया, जिसमें बैटिंग फर्स्ट डाउन करने वाले टीम ने 18 मुकाबला को विन किया, बैटिंग सेकेंड डाउन करने वाले टीम ने 17 मुकाबला को विन किया। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 रन का स्कोरिंग बैनू पर 8 बार हुआ, 150 और 169 के बीच में स्कोरिंग 8 बार है, 170 और 190 के बीच में 13 बार स्कोरिंग देखने को मिला है। 190 के ऊपर आ जाओ तो 190 के ऊपर आपको इस वैनू पर स्कोरिंग 6 बार हुआ है। ओवरऑल बात करोगे इस वैनू पर आपको स्कोरिंग क्या देखने को मिलेगा तो काफी ज्यादा यही चांसेस रहेगा 170 और साथ में 190 के बीच में आपको स्कोरिंग देखने को मिल जाएगा। एवरेज स्कोर वैसे भी देखा जाए तो काफी अच्छा खासा एवरेज स्कोर है, 150 से 170 एवरेज स्कोर है। हाईएस्ट स्कोर इस वैनू पर 213 का, लोएस्ट स्कोर 79 का। पिच जो होने वाला पिच यहां पर से बात करें तो न्यूट्रल होने वाला, न्यूट्रल पिच के साथ देखा जाए तो गुड फॉर पेस यानी पेसर्स बॉलर्स के लिए काफी ज्यादा एडवांटेज रहता, पेसर्स बॉलर्स आपको विकेट निकालते हुए दिख जाएगा। अब देखो इस वैनू पर जो रीसेंट मुकाबला खेला गया इससे आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि कितना पेसर्स बॉलर्स को विकेट मिलता है, कितना स्पिनर्स बॉलर्स को विकेट मिलता है। अब देखो ये जो मुकाबला खेला गया पीआरएस और साथ में यहां पर से देखते हैं तो SIX यानी सिडनी सिक्सर्स के बीच ये मुकाबला खेला गया, जिसमें यहां पर से देखो फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए पीआरएस टीम ने 4 विकेट पर देखते तो 197 रन का स्कोरिंग किया, सिडनी सिक्सर्स ने चेस करते हुए 201 रन बनाकर के मुकाबला को विन किया। फर्स्ट इनिंग में पेसर्स बॉलर्स को 3 विकेट, स्पिनर्स बॉलर्स को 1 विकेट मिला, सेकेंड इनिंग में पेसर्स बॉलर्स को 5 विकेट और स्पिनर्स बॉलर्स को 1 विकेट मिला, फिर यहां पर से 163 रन का स्कोरिंग है। अब देखो चेस करते हुए टीम ने ओनली 128 रन का स्कोरिंग किया। अब ये तीनों जो मुकाबला खेला गया ये तीन मुकाबला में देखते तो 2 मुकाबला में हाई स्कोरिंग देखने को मिला, यहां पर से 211 रन का स्कोरिंग है, फिर यहां पर देखा जाए तो 197 रन का स्कोरिंग है। अब ये तीनों मुकाबला की बात करो तो इसमें काफी ज्यादा एडवांटेज रहता है, काफी ज्यादा सो आपको विकेट निकालते हुए दिख जाएगा पेसर्स बॉलर्स। पिछले ये तीन मुकाबला की बात करो तो पिछले ये तीन मुकाबला में पेसर्स बॉलर्स को 36 विकेट,
स्पिनर्स बॉलर्स को ओनली 4 विकेट मिला, उतना कुछ खास एडवांटेज नहीं रहता स्पिनर्स बॉलर्स आपको इस वेन्यू पर विकेट निकालते हुए दिख जाएगा, उतना कुछ खास चांसेस नहीं रहेगा। ओवरऑल क्या होता कि अधिक से अधिक कोई बल्लेबाज देखा जाए काफी ज्यादा प्रेशर में आकर के कोई स्पिनर्स के सामने अपना पावर हिटिंग करता है, जिसके कारण अपना विकेट फेंकते हुए दिख जाएंगे, अन्यथा उतना कुछ चांसेस ही नहीं रहेगा कि आपको स्पिनर्स बॉलर्स विकेट निकालते हुए दिख जाएगा। काफी ज्यादा चांसेस रहेगा, काफी ज्यादा एडवांटेज रहेगा कि आपको पेसर्स बॉलर्स बड़े आसानी तरीके से विकेट निकालते हुए देखेगा। दोनों टीम के बीच हेड टू हेड में बात करें तो दोनों टीम के बीच हेड टू हेड में देखते हैं तो 24 मुकाबला खेला गया, जिसमें पर्थ स्कॉचर्स 13 मुकाबला को विन किया, वही एडिलेड स्ट्राइकर्स टीम ने 11 मुकाबला को विन किया। अब ये मुकाबला काफी ज्यादा इंटरेस्ट होने वाला, ये दोनों टीम में कौन सा टीम मुकाबला को विन करेगा आप अपना ओपिनियन कॉमेंट बॉक्स में भी जाकर के दे सकते हो। अब देखो पर्थ स्कॉचर्स के पिछले 5 मुकाबला में देखते तो 3 मुकाबला लॉस्ट किया, 2 मुकाबला विन किया। यदि बात करें एडिलेड स्ट्राइकर्स का तो पिछले 5 मुकाबला में ओनली 1 ही मुकाबला आ रहा है, 4 मुकाबला कंटिन्यू विन करते हुए आ रहा है। आगे बढ़ते अब देखो यहां पर से हम लोग जानेंगे सबसे पहले प्लेइंग 11 टीम पर्थ स्कॉचर्स का इस मैच के लिए किस प्रकार से रहेगा। देखो इस मैच में आपको सेम व्हाइटमैन और साथ में यहां पर से स्किनाजी, ये दोनों बल्लेबाज आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएगा। फिर यहां पर से एरन हार्डी, उसके बाद जॉस इंग्लिश, फिर यहां पर से इल्वांस आ जाते हैं, कॉपर कॉनली हो गए, फिर यहां पर से निक हॉबसन हो गए, ऑस्टन अगर, एंड्रो टाई, जैसन बेंड्रॉफ, फिर यहां पर से लैंस मॉरिस, जो कि कुछ इस प्रकार से पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से ये प्लेइंग 11 टीम रहेगा। पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से देख लेते कि कौन कौन सा प्लेयर से इंपॉर्टेंट पिक होगा, कौन कौन सा प्लेयर्स को अपने टीम में लेकर के चलना है जो एडिलेड स्ट्राइकर्स के सामने बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करके जाता है, किसे अपने टीम के लिए कैप्टन बनाना है, किसे अपने टीम के लिए वाइस कैप्टन बनाना है, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पर से बात करेंगे सेम व्हाइटमैन के अगेंस्ट आ जाते हैं, इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बीबीएल में बात करूं तो बीबीएल में 15 का एवरेज है, हेड टू हेड में देखते तो हेड टू हेड में 14 का एवरेज है, बैनू के अकॉर्डिंग आ जाते हैं तो बैनू पर 31 का एवरेज है। अब देखा जाए तो बैनू पर काफी अच्छा खासा एवरेज है, यदि रिसेंट फॉर्म की बात करोगे तो पिछले 5 मुकाबला में एक भी मुकाबला में 20 प्लस रन का स्कोरिंग देखने को नहीं मिला, 17, 7, 16, 10 फिर आप से 0 रन का स्कोरिंग है। लेकिन देखो इस मैच में मेगा ग्रैंडली का कॉम्बिनेशन बनाते हो, मेगा ग्रैंडली का टीम बनाते हो तो आप इस खिलाड़ी को अपनी टीम में लेकर के चलना, क्योंकि बैन पर 31 का एवरेज है। यदि एवरेज की बात करोगे तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा एवरेज है, इस मैच में यही चांसेस रहेगा कि आपको 30 प्लस रन का स्कोरिंग करते हुए दिखी जाएगा, कम से कम बोलोगे तो 30 रन, अधिक से अधिक 40-45 रन का स्कोरिंग रहेगा, क्योंकि पिछला 5 मैच इनका भी ठीक ठाक नहीं गया। इस मैच में यही सोचेंगे ये बल्लेबाज कि भाई अपने लिए और अपनी टीम के लिए कहीं ना कहीं इस मैच में नॉकआउट का मुकाबला कुछ खास परफॉर्मेंस करते हुए दिख जाएंगे, और साथ में देखा जाए तो ये परफॉर्मेंस करते हुए आपको यहां पर से नजर भी आ जाएंगे, तो इसलिए मेगा ग्रैंडली के लिए इंपोर्टेंट रहेगा, बहुत कम लोग ही अपने टीम में लेकर के जाते हैं। फिर बात करेंगे यहां पर से स्किनाजी का, बीबीएल में 23 का एवरेज है, हेड टू हेड में 1 मुकाबला 17 रन, एवरेज की बात करें तो 17 का एवरेज है, बैन पर 6 मुकाबला 87 रन 16 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म में बात करें तो रिसेंट फॉर्म में 7, 12, 25 फिर यहां पर से 38 और 9 रन का स्कोरिंग देखने को मिल रहा है। एरन हार्डी के अगेंस्ट आ जाए तो बीबीएल में बात करें तो 53 मुकाबला खेल के 1034 रन है। अब रन की बात करूं तो काफी अच्छा खासा रन बनाते हुए दिख रहे हैं, विकेट 24 विकेट भी निकाले हैं, हेड टू हेड में 8 मुकाबला 134 रन 5 विकेट, बैन पर बात करें तो 18 मुकाबला 531 रन 11 विकेट है, रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग ऐसा है 32 रन 2 विकेट 9 रन 1 विकेट 14 रन 0 विकेट 22 रन 0 विकेट फिर यहां पर से 35 रन का स्कोरिंग देखने को मिला। रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा खासा एरन आडी को टीम में पिक करके चलना, आप कितना भी अधिक से अधिक ग्रैंडली का टीम क्रिएट करो, एक टीम बनाओ या 5 टीम बनाओ, प्रत्येक टीम में लेकर के चला, क्योंकि बैटिंग आपको तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे। फिर यहां पर से देखा जाए तो गाइस बात करोगे बॉलिंग से तो बॉलिंग से काफी अच्छा खासा आपको करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि रिसेंट पर पिछले मुकाबला में 2 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। जॉस इंग्लिश के अगेंस्ट आ जाओ 75 मुकाबला 29 का एवरेज है, बीबीएल में बात करते हैं तो बीबीएल में 29 का एवरेज है, हेड टू हेड में 10 मुकाबला 37 का एवरेज से रन बनाते हुए दिख रहे हैं, बैन पर 26 मुकाबला 26 का एवरेज है, रिसेंट
फॉर्म की बात करें तो रिसेंट फॉर्म में 18, 5, 28, 26 फिर यहाँ पर 40 रन का स्कोरिंग है, तो टीम में लेकर के चलना, क्योंकि बात करोगे तो हेट वेट में काफी अच्छा खासा एवरेज रन बनाते हुए दिख रहे हैं। कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी के लिए मोस्ट पिक रहेगा, आप अपनी टीम में जॉस इंग्लिश को कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना करके जा सकते हो। फिर यहाँ पर से बात करेंगे इवांस का तो बीबीएल में 46 का एवरेज है, हेड टू हेड में तगड़ा एवरेज रन बनाते हुए दिख रहे हैं, 4 मुकाबला 153 रन और साहिब यहां पर से देखा जाए तो 76 का एवरेज है। तो देखो इस मैच में यही चांसेस रहेगा कि 50 प्लस रन का तो आपको स्कोरिंग करते हुए देखी जाएगा, क्योंकि रिसेंट फॉर्म भी देखते तो काफी तगड़ा रिसेंट फॉर्म है, रिसेंट फॉर्म में 72, 26, 51, 5, 29 रन का स्कोरिंग है। टीम में लेकर के चलना कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए और काफी ज्यादा सेफ रहेगा कि कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना करके जा सकते हो। कॉपर कॉनली के अगेंस्ट आ जाए तो बीबीएल में 14 मुकाबला 195 रन और साथ में 4 विकेट है, हेड टू हेड में 2 मुकाबला 37 रन 0 विकेट है। बैनू पर बात करें तो बैनू पर 8 मुकाबला 101 रन 0 विकेट है, रिसेंट फॉर्म में 37, 35, 10 फिर यहाँ पर 3 विकेट और साथ में 23 रन 0 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। पिछले 2 मुकाबला से बात करोगे तो पिछले 2 या 3 मुकाबला से बॉलिंग करते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन चांसेस बन सकता कि आपको कहीं ना कहीं बॉलिंग करते हुए भी दिख जाएंगे, तो टीम में पिक करके जा सकते हो, इंपोर्टेंट पिक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे यहां पर से हॉबसन का, हॉबसन के अगेंस्ट आ जाए तो बीबीएल में 24 का एवरेज है, हेट वेट में ओनली 5 का एवरेज है, बैन पर 14 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म में 8, 48, 1, 14 रन का स्कोरिंग देखने को मिला। अस्टन एगार के अगेंस्ट आ जाए तो बीबीएल में 84 मुकाबला 63 विकेट, हेट वेट में 14 मुकाबला 12 विकेट, बैन पर 17 मुकाबला 12 विकेट, रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट फिर यहाँ पर से 0 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। यदि बात करो तो यहाँ पर से अस्टन एगार के अगेंस्ट देखा जाए तो आप अपनी टीम में चाहे तो पिक करके चलना तो पिक करके जा सकते हो, क्योंकि हेट वेट में काफी अच्छा खासा विकेट निकालते हुए दिख रहे, 14 मुकाबला 12 विकेट निकाले। फिर बात करेंगे एंडोटाई का, एंडोटाई के अगेंस्ट आ जाए 101 मुकाबला 155 विकेट, हेट वेट में 15 मुकाबला 18 विकेट, बैनू पर 25 मुकाबला 40 विकेट। यदि बैनू पर बात करो तो बैनू पर काफी अच्छा खासा विकेट निकालते हुए दिख रहे, जो कि एक इंपोर्टेंट बात ही है। रिसेंट फॉर्म में बात करोगे तो रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट 4 विकेट 0 विकेट फिर यहाँ पर से 2 विकेट निकालते हुए दिख रहे, यदि पिछले 5 मुकाबला में देखते तो 3 मुकाबला में 0-0 विकेट निकाले, लेकिन बैनू पर पेसर्स बॉलर्स के लिए काफी ज्यादा एडवांटेज रहा था, तो इस मैच में भी फिक्स रहेगा कि 3 विकेट कम से कम आपको निकालते हुए देख ही जाएगा। तो टीम में लेकर के चलना आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा, 3 विकेट निकालता है भाई सॉलिड आपका 75 या 80 पॉइंट ऐसा ही मिल जाता, काफी अच्छा खासा बॉलिंग करता तो 90 पॉइंट कहीं नहीं जाने वाला। टीम में पिक करके चलना, वाइस कैप्टन या कैप्टन की ट्राई करना चाहते तो बना करके जा सकते हो, क्योंकि बैन पर पेसर्स बॉलर्स आपको विकेट निकालते हुए दिख जाएगा, जो कि यहाँ पर से एंडोटाई आपको हर हमेशा बैन पर विकेट निकालता है। बैन पर देख लो तगड़ा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे, 25 मुकाबला 40 विकेट है। बात करें जैसन वेंड्रॉप का तो बीबीएल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बीबीएल में यहाँ पर से 95 मुकाबला 122 विकेट, हेट वेट में 14 मुकाबला 15 विकेट है, बैन पर 23 मुकाबला 31 विकेट, रिसेंट फॉर्म में 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट फिर यहाँ पर से 1 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा खासा जैसन वेंड्रॉप और साथ में एंडोटाइन दोनों पेसर्स बॉलर्स को टीम में लेकर के चलना। फिर बात करें लैंस मॉरिस का, लैंस मॉरिस के अगेंस्ट आ जाए तो बीबीएल में 26 मुकाबला 25 विकेट, हेट वेट में 5 मुकाबला 9 विकेट, बैन पर 7 मुकाबला 12 विकेट, रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट फिर यहाँ पर से 1 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। बेंच प्लेयर्स की बात करें तो बेंच प्लेयर्स कुछ इस प्रकार से रहेगा, मात्र 2 ही बेंच प्लेयर्स है, इसमें जो भी चेंज होगा, जो भी चेंजेस होगा फाइनल में आपको प्लेइंग 11 टीम टॉस होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। अब प्लेयर्स बैटल की बात करें तो प्लेयर्स बैटल में सबसे पहले एरन हार्डी का प्लेयर्स बैटल देख ले तो यहाँ पर से ओवरटन के सामने 9 बॉल 11 रन 1 बार विकेट फेंके, एम शॉर्ट के सामने 11 बॉल 11 रन 1 बार विकेट फेंके। जॉस इंग्लिश की बात करें, ओवरटन के सामने 4 बॉल 2 रन 1 बार विकेट फिर यहाँ पर से देखते हैं तो एल पॉफी के सामने 15 बॉल 22 रन और साथ में यहाँ पर से 1 बार विकेट फेंके। अब बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स का, इस मैच के लिए क्या प्लेइंग 11 टीम रहेगा। एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से सबसे पहले आपको यहाँ पर से मैथ्यू शॉर्ट्स और साथ में यहाँ पर से डैडी शॉर्ट्स, ये दोनों खिलाड़ी ओपनिंग करते हुए देखेगा। फिर यहाँ पर से जैक वेदर लैड आ जाते हैं, फिर यहाँ पर से एडम होम्स हो गए, फिर यहाँ पर से थॉमस केली आ जाते हैं, हैरी नाइसल हो गए, उसके बाद जेमी ओवरटन, फिर यहाँ पर से देखते हैं
तो गाइस थॉर्नटन हो गए, फिर डेविड पाइन आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर से कैमरन वाइसी हो गए, फिर यहाँ पर से देखते हैं तो लॉयड पॉपी आ जाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से ये प्लेइंग 11 टीम रहेगा। अब एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्लेयर्स इंपोर्टेंट पिक होगा जो पर्थ स्कॉशर के सामने हर हमेशा बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए दिखता है। एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से सबसे पहले देखे तो यहाँ पर से मैथ्यू शॉर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। अब देखो मैथ्यू शॉर्ट्स और साथ में यहाँ पर से ये दोनों खिलाड़ी में आप लोगों को देखा जाए तो बहुत ज्यादा लोग अपनी टीम में जो लेकर के सारा मैथ्यू शॉर्ट्स को अपने टीम में पिक करके जा रहा है। डेरी शॉर्ट्स की बात करूं तो उतना कुछ खास सिलेक्शन परसेंटेज नहीं है। यदि बात करें मैथ्यू शॉर्ट्स का तो बीबीएल में 76 मुकाबला 29 का एवरेज है, 26 विकेट है। अब देखो यहाँ पर से हेट वेट में 32 का मुकाबला, हेट वेट में देखा जाए तो कुछ खास एवरेज नहीं है। यदि बात करें डेरी शॉर्ट्स का तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैथ्यू शॉर्ट्स से काफी अच्छा खासा एवरेज हेट वेट में बात करते पर्थ स्कॉचर्स के सामने तो इनका है। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप मेगा ग्रैनी का कॉम्बिनेशन बनाते हो तो आप अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉ मत करना, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम लोग ही अपने टीम में लेकर के जाता। बैनू पर आप देख लो यहां पर से 42 का एवरेज है, इनका एवरेज की बात करो तो बैनू पर ओनली 30 का एवरेज है। बहुत कम लोग ही डेरी शॉर्ट्स को अपनी टीम में लेकर के चला, इसलिए बोले टीम से बिल्कुल भी ड्रॉ मत करना, टीम में पिक करके चलना आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा। रिसेंट फॉर्म की बात करोगे तो 74 रन, 0 विकेट, 39 रन, 0 विकेट, 45 रन, 0 विकेट, 76 रन, 1 विकेट। बात करें डेरी शॉर्ट्स का रिसेंट फॉर्म में तो 15, 20, 18, फिर यहाँ पर से 24, 6 और साथ में 0 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पर से जैक के बारे में, इनके अगेंस्ट आजा तो बीबीएल में 26 का एवरेज है, हेट वेट में 24 का एवरेज है, बैन पर बात करते हैं तो 28 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म में 47, 80, 0, 6, फिर यहाँ पर से 5 रन का स्कोरिंग देखने को मिला। तो टीम में पिक कर लेना क्योंकि पिछले 2 मुकाबला से काफी अच्छा खासा रन बनाते हुए दिख रहा है। बात करें एडम होम्स का तो बीबीएल में देखते हैं तो 23 का एवरेज है, हेट वेट में 20 का एवरेज है, बैन ऊपर 15 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म में 25, 3, फिर यहाँ पर से 13 रन का स्कोरिंग देखने को मिला है। फिर बात करें यहाँ पर से थॉमस केली के अगेंस्ट आ जाते हैं तो बीबीएल में 20 का एवरेज, हेट वेट में 24 का एवरेज, बैन ऊपर 23 का एवरेज, रिसेंट फॉर्म में डीएनबी यानी बैटिंग का ही नहीं मौका मिला 15, फिर यहाँ पर से देखते 29 रन का स्कोरिंग है। यदि बैटिंग का मौका मिलता तो मैं अपनी टीम में तो जरूर लेकर के जाता क्योंकि ये बल्लेबाज काफी ज्यादा इंपोर्टेंट बल्लेबाज है। वैसे एडिलेड स्ट्राइकर्स की टॉप ऑर्डर का जो बल्लेबाज है बहुत कम ही अपना विकेट फेंकते हुए दिखेगा, क्योंकि पर्थ स्कॉचर्स का क्या है कि जो भी टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज होता है अपना जल्दी विकेट फेंकते हुए दिख जाएगा। फिर यहाँ पर से देखते हैं तो हैरी नेल्सन के अगेंस्ट आ जाए, बीबीएल में 46 मुकाबला, 21 का एवरेज है, हेट वेट में 7 मुकाबला, 74 रन, 21 का एवरेज है, बैन पर 2 मुकाबला, 13 रन, 13 का एवरेज, रिसेंट फॉर्म में डीएनबी यहाँ पर से देखते डीएनबी, पिछले 5 मुकाबला में बात करोगे तो भाई साहब पिछले 5 मुकाबला में 4 मुकाबला में बैटिंग का ही नहीं मौका मिला है। फिर बात करेंगे यहाँ पर से जैमी ओवरटन का, जैमी ओवरटन के अगेंस्ट आ जाए तो बीबीएल में 9 मुकाबला, 85 रन, 16 विकेट है, हेट वेट में 2 मुकाबला, 1 रन, 2 विकेट है, हेट वेट में काफी अच्छा खासा विकेट है, बैन पर 1 मुकाबला, 1 रन, 2 विकेट, रिसेंट फॉर्म की बात करें 3 विकेट, 2 विकेट, 5 रन, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 रन, फिर यहाँ पर से 2 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। 2 विकेट तो कम से कम आपको बड़ी आसानी तरीके से निकालते हुए दिखे जाएंगे क्योंकि हेट वेट में ऑलरेडी 1 मुकाबला खेल करके 2 विकेट निकाले, टीम में पिक करके चलना, पिछले कंटिन्यू विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करोगे पिछले मैच से तो टीम में पिक करना। बात करें यहाँ पर से थॉर्नटन का तो बीबीएल में 22 मुकाबला, 35 विकेट, हेट वेट में 4 मुकाबला, 7 विकेट, बैन पर 2 मुकाबला, 4 विकेट, रिसेंट फॉर्म में बात करते हैं तो 0 विकेट, फिर यहाँ पर से 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे यहाँ पर से डेविड पाइन का, इनके अकॉर्डिंग आया सर तो बीबीएल में 14 मुकाबला, 19 विकेट, हेट वेट में 2 मुकाबला, 2 विकेट, बैन पर 4 मुकाबला, 5 विकेट, रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, फिर 0 विकेट है। फिर बात करें कैमरन वाइसी का तो बीबीएल में 95 मुकाबला, 103 विकेट, हेट वेट में 13 मुकाबला, 8 विकेट, बैन पर 3 मुकाबला, 2 विकेट, इकोनॉमी काफी अच्छा खासा है बैन पर, रिसेंट फॉर्म में 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, फिर यहाँ पर से 0 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। अब देखो कैमरन वाइसी को मेगा ग्रैंडली का कॉम्बिनेशन बना
आते हो तो आप अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना, पेसर्स बॉलर से इंपोर्टेंट बॉलर्स रहेगा। बात करें यहाँ पर से लेवेंट पॉपी का, इनके अगेंस्ट आ जाए तो VBL में 28 मुकाबला 26 विकेट, हेटवुड में 5 मुकाबला 5 विकेट, बैन ऊपर 2 मुकाबला 3 विकेट, पिछले मुकाबला में 4 विकेट, फिर यहाँ पर से 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं, तो टीम में पिक करके जा सकते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पिछले देखा जाए तो मैच में 4 विकेट है। अब देखो पिछले 5 मुकाबला में बात करोगे तो एक ही मुकाबला में फ्लॉप गए, नहीं तो कंटिन्यू विकेट निकालते हुए देख रहे हैं, तो टीम में पिक करके चलना है। प्लेयर्स बैटल की बात करें तो सबसे पहले प्लेयर्स बैटल में देखेंगे मैथ्यू शॉर्ट्स का प्लेयर्स बैटल, एल मोरिस के सामने 14 बॉल 17 रन 1 बार विकेट, ए अगर के सामने 42 बॉल 49 रन 1 बार विकेट, फिर बात करें यहाँ पर से जैक का तो ए अगर के सामने 7 बॉल 10 रन 1 बार विकेट, जैसन बेंड्रॉप के सामने 17 बॉल 30 रन 1 बार विकेट, फेंक है डेरी शर्ट्स का देख ले तो एल मोरिस के सामने 5 बॉल 3 रन 1 बार विकेट फेंके, ए अगर के सामने 22 बॉल 39 रन 2 बार विकेट, जैसन बेंड्रॉप के सामने 49 बॉल 37 रन 1 बार विकेट, एडम होम्स की बात करें तो एल मोरिस के सामने 16 बॉल 23 रन 1 बार विकेट है, एंड्रो टाई के सामने 27 बॉल 43 रन और साथ में 1 बार विकेट फेंके। अब फाइनली देख लेते हैं कि मैंने अपना टीम का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनाया हूं, क्योंकि मैं एक एक प्लेयर्स के बारे में जान गया हूं कि कौन कौन सा प्लेयर्स इंपोर्टेंट पिक होगा, कौन सा प्लेयर्स को अपने टीम में लेकर के चलना, कौन सा प्लेयर्स को अपनी टीम से ड्रॉप करना, उसके बाद मैंने अपने टीम में किन किन खिलाड़ियों को पिक किया हूं, विकेट कीपर में जॉस इंग्लिश, बैटिंग में यहां पर से अपने टीम में लेकर के चल रहा हूं। यदि बात करोगे ऑलराउंडर्स में तो देखो ऑलराउंडर्स में मैं अपने टीम से 4-3 खिलाड़ियों को पिक किया हूं, एम शॉर्ट्स और साथ में यहां पर से हार्डी ओवरटन को टीम में पिक किया हूं, बॉलिंग में देखते हैं जैसन बनड्रॉप, फिर यहां पर से पैन को, उसके बाद यहां पर से रिचर्डसन को पिक किया हूं, फिर थॉन्टन, उसके बाद एंड्रो टाई को मैं अपने टीम में पिक किया हूं। कैप्टन की बात करोगे तो जेम्स ओवरटन को कैप्टन और वाइस कैप्टन, एंड्रो टाई को मैं अपनी टीम के लिए वाइस कैप्टन बना करके चल रहा हूं। अब इसमें मैं जो भी चेंज करूंगा फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगा, वैसे आप लोग खुद से टीम क्रिएट करना, खुद से टीम क्रिएट करोगे बेहतरीन से बेहतरीन टीम क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको एक एक प्लेयर्स के बारे में बता दिया कि कौन कौन सा प्लेयर्स इंपोर्टेंट पिक रहेगा, कौन सा प्लेयर्स को अपनी टीम में लेकर के चलना, कौन सा प्लेयर्स को अपनी टीम से ड्रॉप करना। आप एक टीम बनाओ या दो टीम बनाओ या आप 5 टीम बनाओ या आप 10 टीम बनाओ, बड़े आसानी तरीके से बना सकते हो। यदि आप रिलैक्स माइंड में बनाते हो टीम तो खुद से बनाना, बेहतरीन से बेहतरीन टीम बना सकते हो, नहीं तो बने बनाया हुआ टीम चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक बता दें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में जाओगे तो टॉप पर पिन कर दिया जहां से आप क्या कर सकते हो, बड़े आसानी तरीके से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज अब इस वीडियो के बाद आप लोग से कहां पर मिलते हैं, टेलीग्राम चैनल पर ही।